بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة। गिरामी कदर प्यारे नमाजी भाइयों, आपने नमाज असर बाजमात पढ़ी है। रसूल रहमत इमाम कायनात हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि नमाज असर जो बंदा बाजमात पढ़ता है, अल्लाह तबारक व ताला उसको दोहरा अजर अता फरमाते, डबल अजर अता करते। फजर का भी सवाब है, जहर का भी सवाब है, मगरब और ईशा का भी बड़ा सवाब है, लेकिन असर के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ की गई थी, तो उन्होंने ना असर की नमाज को ज़ाया कर दिया। सोए रहते थे, मार्केटों दुकानों पर रहते थे, उन्होंने इस नमाज को ज़ाया कर दिया, तो अल्लाह ने भी उनको ज़ाया कर दिया। तो मेरा जो उम्मती नमाज असर अहतमाम से शौक से पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व ताला उसको दो अजर अता करेंगे। और इसको सलातुल वुस्ता भी कहा गया है, दरमियानी नमाज, यानी इसका बड़ा शान मुकाम है। कारोबार पर बहुत ज़्यादा इसका असर है, शख्सियत पर बड़ा गहरा असर है। एक दिन इसमें आता है, जिस बंदे ने असर की नमाज को छोड़ दिया ना, ये तवज्जो से सुने, मेरी तरफ देखें, जिसने असर की नमाज को छोड़ दिया अल्लाह उसके अमल को बर्बाद कर देता है। तो आप बड़े खुशबख्त और खुशनसीब और इज्जतदार लोग हैं कि माशाल्लाह रोज़े की हालत में आपने असर की नमाज बाजमात पढ़ी है और मस्जिद में बैठे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इसी तरह आपको नमाज असर बेतुल्ला में पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला आपको मस्जिद नबवी में पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक ताला इसी तरह हम सबको अपनी जन्नत में जमा फरमा दे। आज का मौजू बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही प्यारा मौजू है कि मुसलमान घराना कैसा हो या मुस्लिम घराना कैसा हो, मुस्लिम घर कैसा हो, घराना कैसा हो। तो इसका सिंपल और सादा सा जवाब तो यही है जी कि मुसलमान का जो घराना है और घर बड़ा सादा होना चाहिए, उसमें कोई ज़्यादा इसराफ और तबजीर और फजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए। बिला वजह घर बनाने में, तमीर करने में करोड़ों रुपया ज़ाया नहीं करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लम ने ना बड़ी हौसला शिकनी की है, फरमाया मट्टी और गारे में इतना पैसा ना ज़ाया किया करो, ये नौसत है, ये क़्यामत वाले दिन आपसे पूछा जाएगा। तो आप ये जो मेरे प्यारे भाई बैठे हो ना, ये जेन से बात निकालो कि हम बहुत ज़्यादा कमाएंगे और फिर बहुत इसराफ और तबजीर करेंगे अपने घरों और मकानों पर। नहीं, मुसलमान का घर, मुस्लिम का घर बड़ा सादा होता है और बड़ा खूबसूरत होता है और ज़रूरत के लायक होता है। वो इसराफ नहीं करता, वो फजूल खर्ची नहीं करता, मट्टी और गारे में पैसा ज़ाया नहीं करता। हौसला शिकनी की है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो जो मुस्लिम घराना होता है, ये मुसलमान का जो घर होता है, पहली बात है बड़ा सादा होता है और बड़ा साफ़ सुथरा होता है। घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, उसमें कुत्ते वुत्ते नहीं होने चाहिए। ये छोटे बच्चे जो पेशाब करते हैं ना, तो कोशिश करना चाहिए कि वो फ़ौरन उसको बहा दिया जाए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। और कोशिश करें घरों में तस्वीरें ना लटकाएं, इससे भी रहमत के फरिश्ते एक रिवायत के मुताबिक नहीं आते। इन चीज़ों से बचना चाहिए। यानी मुसलमान का जो घर है, चाहे वो 10 कनाल का हो या चाहे वो 1 कमरा हो, आप में से अक्सर भाई जो यकीनन फ्लाइट में रहते हैं, किसी एक कमरे में रहते हैं, चाहे 1 कमरा हो या उसका 50 कनाल का घर हो, तो सादा होना चाहिए और साफ़ सुथरा होना चाहिए। ये सबसे पहली और बुनियादी बात है। तो बाकी मुस्लिम घराने के लिए और मुसलमान घराना कैसा हो, मैं ये समझता हूँ 5 तरह का होना चाहिए। सबसे पहली बात, जब आप अपने कमरे में दाखिल होते हैं ना, जब आप अपने घर में दाखिल होते हैं, तो बिस्मिल्लाह कह के दाखिल हुआ। चलो दूसरी जो दुआ है वो लंबी है, बिस्मिल्लाह वलजना व बिस्मिल्लाह खरजना व अलल्लाह रब्बिना तवक्कलना अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलिज व खैरल मखरज। चलें, ये दुआ लंबी है और बाज़ ने इस रवायत को ज़ईफ़ भी करार दिया है, लेकिन ये जो है ना बिस्मिल्लाह पढ़ के घर में दाखिल होना, ये शायद मुस्लिम शरीफ में आता है। ये छोटी छोटी बातें अपनी ज़िंदगी में लेके हैं, आपको आपका ईमान मज़ा देगा, आपका इस्लाम मज़ा देगा। रिज़्क़ हलाल कमाते हो, रिज़्क़ हलाल आपको मज़ा और लुत्फ़ देगा। घर में आपको अजीब रूहानियत होगी। ये कमरे में और घर में जो घुटन घुटन है, नौसत नौसत है, वो तंगी तंगी है, वो इन 5 गफलतों की वजह से है।
ये पैगाम आप भाइयों के लिए भी है और पूरी उम्मा के मुसलमानों के लिए है कि ये घर अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ने इसको सकाना कुरान में फरमाया सुकून वाली जगह बनाया, और अगर आप इसको वाकई सुकून वाली जगह बनाना चाहते हो ना तो कमरे में दाखिल होते सबसे पहले आपने कहना है बिस्मिल्लाह, बस बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम लेके आपने दाखिल होना है। फिर आपने दो साथी बैठे हुए हैं, तीन साथी बैठे हुए हैं, बीवी बच्चे बैठे हुए हैं, आपने बुलंद आवाज से कहना है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। यकीन माने मैं आपसे क्या लंबे चौड़े दरस आपको दूँ, हमारी मुसलमानों की हालत यह है, मेरे समेत आप चेक करें क्या हम पूरे वक़ार के साथ, एहतमाम के साथ, शौक़ के साथ, बआवाज़े बुलंद पूरी मोहब्बत के साथ ये कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अक्सर तो कहते नहीं है, मुंह उठा के दाखिल हो जाते हैं। भैया हम जानवर नहीं है, हम इंसान हैं, हम मुसलमान हैं, ये अल्लाह की तरफ से तोहफा है, मुबारक है, पकीज़ा है। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया कि जो बंदा अपने घर में दाखिल होते वक्त बीवी को, बच्चों को, दोस्तों भाइयों को जो कमरे में है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु कहता है, वो पकीज़ा तोहफा उनको देता है, वो बरकत वाला तोहफा उनको देता है, फरमाया वो ख़ास तोहफा उनको देता है। तो जो कमरे में बैठे हों उनको भी अहतमाम से आगे कहना चाहिए वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इसमें 30 नेकियां हैं, बरकत है, लेकिन देखने हमें अहतमाम नहीं करते, मुंह उठा के हम कमरों में दाखिल हो जाते हैं, घर में दाखिल हो जाते हैं। घर में दाखिल होते वक्त अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहु कहना ये छोटा मसला नहीं है, ये मसला अल्लाह ने कुरान में बयान किया है और अमर के सीगे के साथ हुक्म दिया है। मैंने एक अल्लाह के नेक बंदे के बारे में पढ़ा, वो कहते हैं जब मैं थका मंदा घर में दाखिल होता हूँ ना, या घर में दाखिल होते वक्त किसी चीज़ को देखकर मुझे गुस्सा भी चढ़ता है ना, तो जब मैं दिल से कहता हूँ ना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु तो मेरी वो परेशानी उदासी भी ख़त्म हो जाती है और मेरा गुस्सा भी ठंडा हो जाता है। ऐ घर वालों, तुम पर अल्लाह की सलामती हो, अल्लाह ताला की रहमतें हों, अल्लाह ताला की बरकतें हों। तो जो मुस्लिम घराना कैसा हो, पहले तो यह है जी बिस्मिल्लाह पढ़ के दाखिल हों, और घर वालों को क्या करें, सलाम करें, दोस्तों को सलाम करें, इसमें बहुत ज़्यादा गफलत है। और फिर जब आप वाशरूम जाते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुथ, जब आप वाशरूम से निकलते हैं गुफराना का, खाना खाना है बिस्मिल्लाह, निवाले खाते रहें अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहें, बिस्मिल्लाह पढ़ते रहें, खाना खाकर दुआ पढ़ें, इधर देखें बिस्तर पे सोते हुए दुआ पढ़ा करें। जब आप घर से बाहर निकलते हैं ना, अपने कमरे से बाहर निकलते हैं, जॉब करते हो ना, बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह ला हौला वला कुव्वता था, महीने का 60 दिनार का कमाओ, 100 दिनार कमा लो, 200 दिनार लेते हो, यकीन मानो ये घर में दाखिल होते बिस्मिल्लाह पढ़ो, कमरे में आने वालों को सलाम करो, आते जाते सोते खाते पीते वाशरूम जाते दुआएं पढ़ो, घर से निकलते हुए बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ो, यकीन माने ये 60 दिरहम जो महीने के कमाते दिनार कमाते हो ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये 600 दिनार से भी ज्यादा आपको बरकत देंगे। तो ज्यादा सैलरी से बरकत नहीं होती, ये किस उल्लू ने आपको कहा है, किस दुनियादार जाहिल ने आपको कहा है कि आपकी जिंदगी बड़ी खुशगवार हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी जब आप 700 दिनार कमाना शुरू कर दोगे और 70 दिनार कमाओ। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आपको घरेलू जिंदगी दी है, उस घरेलू जिंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए आदाब को फॉलो करो। तो पहली बात मैंने मुकम्मल कर दी, आपने इसका ख्याल रखना है, बिस्मिल्लाह कहते हुए दाखिल होना है, सलाम करना है, वाशरूम जाते खाना खाते बिस्तर पर लेटते आपने दुआएं पढ़नी है, बाहर निकलते हुए दुआ पढ़नी, फरमाया शैतान दफा हो जाता है। और जो बंदा घर में दाखिल होकर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता, सलाम नहीं करता, वाशरूम और खाना खाते दुआएं वगैरह नहीं पढ़ता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं शैतान उस घर में डेरे डाल लेता है, उस कमरे में शैतान डेरे डाल लेता है, वो आपका घिराना नहीं है, वो शैतानी डेरे हैं, वो आपके कमरे में शैतान रहता है। फरमाया खाना भी खाता है और वहां रहता भी और वहां शरारतें भी करता। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, फरमाया मसलुल बैत अल्लज़ी युज़्करु फीही रब्बा व मसलुल बैत अल्लज़ी ला युज़्करु फीही रब्बा का मसलुल हय्य वल मय्यत, फरमाया जिन घरों में दुआएं नहीं पढ़ी जाती, ये चीजें नहीं होती, वो मुर्दा खाने हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको इस पहली बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दूसरी बात, मुस्लिम घराना कैसा हो, मेरे प्यारे भाइयों मुस्लिम घराने में दूसरी बात यह है कि सुनन और नवाफिल का एहतमाम होना चाहिए। आप कोशिश करें, अगर आप कमरे से आते हैं ना, मिसाल के तौर पे असर की नमाज के लिए कमरे से आया, या आप फजर की नमाज के लिए कमरे से आया, तो आप फजर की सुनते कमरे में पढ़ के आए,
ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। फरमाया आदमी की बेहतरीन नमाज उसके कमरे में है, उसके घर में है, उसकी कोठी में है, उसके मकान में है, सिवाय फर्जी नमाज के। फर्जी नमाज इधर पढ़ो, जो पहले की सुनते हैं वो भी कमरे से पढ़ के आओ, बाद वाली सुनते हैं वो भी कमरे में जाके पढ़ो। फरमाया अल्लाह ताला तुम्हें बरकतें अता करेगा। और फिर ये कान खोल के सुन लो, हम इन मसलों पर गौर नहीं करते, हमारी जिंदगी जहन्नम है, उदास है, हर बंदा परेशान है, बिखरा हुआ है। बरकतें इन चीजों से आती हैं, अपने कमरे में जहां रहते हो, जो आपका घर है, वहां सुनते पढ़े, वहां नफल पढ़े। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे खैर होती है, इससे बरकत होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन चीजों का एहतमाम किया करते थे। सुनन नवाफल का एहतमाम करें। मसलन आपके कमरे में पांच अफराद आप रहते हैं ना, तीन नमाज नहीं पढ़ते, दो पढ़ते हैं, तो जब आप सुनते पढ़ेंगे वो आपको देखेगा, उसके दिल में भी हया पैदा होगा, उसको भी शर्म आएगा, बीवी की भी गफलत दूर होगी, बच्चों की भी गफलत दूर होगी। तो जब से हमने अपने घरों में सुनते पढ़ना छोड़ दी हैं, नवाफल पढ़ने छोड़ दी हैं, हमारे घरों की बरकत उठ गई है। कमरे से निकलते हो सुनते पढ़ा करें, नवाफल पढ़ा करें, घरों में बरकत रहती है, खैर रहती है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। एक बंदा कमरे से सुनते पढ़ के आता है, एक बंदा कमरे से नफल पढ़ के आता है, कमरे में जाके सुनते पढ़ता है, कमरे में जाके नफल पढ़ता है। जो मस्जिद में पढ़ता है उसकी बनिस्बत उसका दर्जा भी ज्यादा है, उसका सवाब भी ज्यादा है। पता नहीं आपको इस मसले का इल्म है या नहीं। तीसरी बात तवज्जो से सुन ले, आप जहां कमरों में रहते हो ना, इधर फ्लाइट में रहते हो, और मेरे प्यारे भाइयों बरकत लेना चाहते हो परदेश में रहकर, तो रोजाना अपने बेड पर अपने कमरे में कुरान शरीफ खोला करो। जिस कमरे में कुरान शरीफ खुलता है मोबाइल से खोल लिया करो, या वैसे कुरान शरीफ का नुस्खा रखो तर्जमे वाला, बंगाली में, हिंदी में, उर्दू में, उसको खोल के बेशक एक पेज पढ़ो, हाफ पेज पढ़ो, बेशक दो आयतें पढ़ो। बंदा सुबह सवेरे से लेकर रात तक गधे की तरह मुलाजमत करता रहे, गधे की तरह दिहाड़ी करता रहे, गधे की तरह जॉब करता रहे, अगर वो अपने घर में अपने कमरे में कुरान नहीं खोलता, अपनी आंखों को कुरान की आयतों से ठंडा नहीं करता, उसको बरकत नहीं मिलती। ये बेदीन लोगों वाली जिंदगी है कि ओवर टाइम लगा लोगे, ड्यूटी ज्यादा कर लोगे तो पैसा ज्यादा आएगा और बड़ी खुशी होगी। नहीं, ये बेदीन लोगों वाली जिंदगी है। वो घिराने रोशनी के मीनारे हैं जिन घरों में कुरान खुलता है। हमारी जो माएँ थी, हमारे जो बुजुर्ग थे, वो सुबह सवेरे उठ के यासीन पढ़ा करते थे और रात को वाकया पढ़ते थे, रहमान पढ़ते थे। मुझे अमानतदारी से बताएं, आप जिन कमरों में रहते हैं वहां आपको कुरान खोले कितने हफ्ते, कितने महीने हो चुके हैं? आपका अपना अपना नुस्खा होना चाहिए। आपके बेड पर आप 13 लाइन वाला कुरान से पढ़ते हैं, 15 वाला से पढ़ते हैं, 16, आपका जाती नुस्खा आपके बेड पे होना चाहिए, आपकी चारपाई पे होना चाहिए। तो अपने घरों में कुरान पाक खोले, और बिलखसूस कोशिश करें कि सूरतुल बकरा घर में पढ़े। आप पीछे अपनी बच्चियों को फोन करें, वाइफ को फोन करें, बच्चों को बोलें कि घर में सूरत बकरा पढ़ा करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुस्लिम घराने की शान ये है कि उसमें सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है, और सूरतुल बकरा की बरकत से अल्लाह मुस्लिम घराने को हर किस्म के शैतानी वसवसात से पाक फरमा देते हैं। तो मैंने आपके सामने तीन बातें बयान कर दी हैं। चौथी बात जरा तवज्जो से सुनना, मुस्लिम घराना कैसा हो, वो नरमी का पैकर होना चाहिए। आपस में नरमी से पेश आए, खुश अखलाकी से पेश आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा अरादल्लाहु बि अहलि बैतिन खैरा अदखल अलैहिमुर रिफ्का। एक कमरे में चार बंदे रहते हैं ना, पांच बंदे रहते हैं, या एक घर में 10 लोग रहते हैं, फरमाया जब कमरे वालों के साथ, घर वालों के साथ, मकान वालों के साथ, रहायश वालों के साथ, घराने वालों के साथ अल्लाह ताला खैर का इरादा करता है ना, तो उस कमरे में और घर में रहने वालों को एक दूसरे के बारे में नरम बना देता है। माथे पे तेवर नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, मूड नहीं होना चाहिए। मैंने देखा एक कमरे में चार अफराद रहते हैं, आपस में मूड है, आपस में गुस्सा है, आपस में नफरत है, तानज़नी। मेरे प्यारे भाइयों, हम सब मुसलमान हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं। ये नफरतें निकालें कि ये बंगाली है, ये हिंदी है, ये बहरीनी है, ये पाकिस्तानी है, हम सब मुसलमान हैं, अल्लाह के बंदे हैं। हम अल्लाह को वादा उल्ला शरीक, ये तासुब निकालें, आपस में भाई भाई बन के रहें, नरमी के साथ रहें। हर वक्त घर में बच्चों का खून नहीं चूसे रखना चाहिए, हर वक्त घूर के नहीं देखना चाहिए, हर वक्त गिरेबान को नहीं आना चाहिए। ये जो घरों में बदमाशी करते हैं, बात बात पे गालियां देते हैं और बदतमीजी करते हैं, ये जानवर किस्म के लोग हैं। बहुत नफरत है अल्लाह ताला को ऐसे लोगों से जो घर में शिद्दत से पेश आते हैं।
ये मुझे बहुत ज़्यादा शिकायत मिली है कि बाहर दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा हंसता है, खेलता है, मुस्कुराता है, जब घर में आता है तो माँ के साथ बदतमीज़ी करता है, बाप के साथ बदतमीज़ी करता है, बीवी को गालियाँ देता है, बच्चियों को गालियाँ देता है। फेसबुक पे इसका 3000 दोस्त है, फेसबुक पे इसके बहुत ज़्यादा फ्रेंड है, लेकिन इधर घर में आता है तो ना बहन को बुलाता है, ना बेटी को बुलाता है, ना बीवी को बुलाता है, ना माँ बाप का जीना आराम किया हुआ। तो मेरे प्यारे भाइयों, देखें मुस्लिम घराने में नरमी होती है, एक दूसरे से मोहब्बत से मिले, खिले हुए चेहरे से मिले। अगर कोई ना इत्तेफाकी हो जाए, कोई कमी हो जाए, उसको दिल में पालकर अपने कमरे को, अपने घर को जहन्नम ना बनाए। ये कान खोल कर मेरे आखिरी चंद जुमले सुन ले। जब बाप छोटी छोटी बातों को, घर में जितने भाई रहते हैं, बहनें रहती हैं, जितने दोस्त हैं कमरे में रहते हैं, जब आप छोटी छोटी बातों को दिल में जगह दोगे, कुड़ते रहोगे, जलते रहोगे, दिल में बुगज पालोगे, अपने कमरे को तंदूर बनाओगे, जहन्नम बनाओगे, किसी का कोई नुकसान नहीं, आपस में लड़ लड़ के मर जाओगे। इंसान के जिस्म को, बॉडी को सबसे ज्यादा नुकसान देने वाला ये दिल का गुस्सा, दिल की कदूरत है, ये डिप्रेशन का जरिया बनती हैं चीजें, इंसान को बुढ़ापे में ले जाती हैं, खत्म कर देती हैं बंदे को। तो मेरे प्यारे भाइयों, बिलखसूस मेरी नरमी और मेरी मोहब्बत के सबसे ज्यादा मुस्तहक मेरे बच्चे हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, मेरे वो दोस्त हैं जो मेरे साथ कमरे में रहते हैं। चार बातें मैंने आपसे कर दी हैं, पांचवीं और आखिरी बात सुन लें, फिर इंशाल्लाह मैं बात को खत्म करता हूं। सबसे पहली बात है कि मुस्लिम घराना कैसा होना चाहिए, सादा होना चाहिए, पाक साफ होना चाहिए, उसमें गंदगी नहीं होनी चाहिए। कई घरों से बू आती है। साफ सुथरा सादा घर होना चाहिए, फजूल खर्ची से पाक। और सबसे पहली बात मैंने ये कही है कि घर में दाखिल होते क्या कहना है, बिस्मिल्लाह, सब बोल के सब की तरह याद करें, सबसे पहले क्या कहना है, कमरे में दाखिल होते बिस्मिल्लाह। कोई कमरे में हो ना हो, घर में कोई हो ना हो, बिस्मिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है मैं फुटपाथ पे नहीं सो गया, मैं सड़क पे नहीं सो गया। ओ भाई, घर किराए का हो, जाती हो, घर घर होता है, कमरा कमरा होता है। कितने लोग हैं जो खुले मैदान में बेचारे सोते हैं, अड्डों पे सोते हैं, स्टेशन पे सोते हैं, फुटपाथ पे सोते हैं, उनके ऊपर लेने के लिए कुछ नहीं है। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात, वाशरूम जाते दुआ पढ़े, सोते दुआ पढ़े, खाते दुआ पढ़े, शैतान की छुट्टी, शैतान भाग जाता है उस घर से। और दूसरी बात यह है, चले रोजाना नहीं तो कभी कभी सुनते घर में पढ़नी है नफल। आपको एक हदीस सुनाऊं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा सुबह काम पर जाता है ना, ड्यूटी पर जाता है, ड्यूटी पर जाने से पहले अगर वो अपने कमरे में, अपने घर में दो रकतें पढ़ ले या चार रकतें नफल पढ़ ले, दो पढ़ ले या, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, आज मैं तेरे दिन भर के सारे काम आप ही कर दूं, सारे तेरे मसले हल कर दूंगा। तीसरी बात, अपने कमरे में, अपने घर में क्या खोलना है, कुरान। इस तरह का कुरान रखो, इंडिया से कुरान मंगवाओ, बांग्लादेश से मंगवाओ, पाकिस्तान से मंगवाओ, जहां जहां से हो वहां से कुरान मंगवाओ, जो आप पढ़ते हो रोजाना एक पेज पढ़ो, एक आयत पढ़ो, लाजमी पढ़ो अपनी चारपाई पे, अपने बेड पे। घर अपने बच्चों से पूछो, वाइफ से पूछो, इधर कमाने के लिए तो हम आ गए, हमने बच्चों का पीछे फिक्र किया कि वो घर में कुरान खोलते हैं कि नहीं खोलते। और चौथी बात यह है कि घर में नरमी के साथ रहते हैं, नरमी के साथ रहते हैं। हाँ, किसी वक्त सख्ती करना भी पड़ती है बच्चों पर, अगर कोई बदतमीजी करें, कोई बेअदबी करें, कोई बुरी हरकत करें, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डांटना भी चाहिए, लेकिन नरमी गालिब होनी चाहिए, खिला हुआ चेहरा, कुशादा चेहरा। अगर कहीं भी कोई बात हो भी जाए, उसको दिल में नहीं बिठाना चाहिए। मैं आपको एक दफा फिर कहता हूं, इधर देखो, एक दफा फिर कहता हूं, अपने घर का माहौल नरमी वाला बनाओ, कमरे का माहौल नरमी वाला बनाओ, जन्नत का माहौल बनेगा, जन्नत में भी नरमी होगी। ये गुस्से, ये मूड, ये सटपटा उठना, तकब्बुर के साथ रहना, ये जानवरों के काम है। मुस्लिम घराना कैसा होना चाहिए, इबादत वाला, तिलावत वाला, जिक्र वाला, नरमी वाला। पांचवी और आखिरी बात सुन ले, आपने अपने कमरे को और आपने अपने घर को हर किस्म की रूहानी गंदगी से भी पाक करना है। घर में पेशाब भी ना हो, मेल कुचैल भी ना हो, पखाना भी ना हो, जाला भी ना हो। और आखिरी पांचवी बात यह है,
अपने घर को अपने रूहानी गंदगी से भी पाक करना है। घर में ये आपने फेसबुक पर, यूट्यूब पर, स्क्रीन पर, टीवी पर नाच गाना देखना, घरों में नावल ना रखें, स्टोरियां ना रखें। घरों में अपनी बेटी है, बहू है, ये गैर महरम जो घर में आते हैं उनसे पर्दा हो, बेटी पर्दा करे, बहन पर्दा करे, बीवी पर्दा करे, बनाओ श्रृंगार करके अपनी बच्चियों को कोशिश करें गैर महरमों के सामने ना बिठाएं। घर में नाच गाना नहीं होना चाहिए। ये जो जिनको आप गुलूकार कहते हो, अदाकार कहते हो, ये जो स्टोरियां हैं, ये हमारे बच्चों को बेगैरत बनाते हैं। आपके घर में, मेरे घर में हमारे बच्चे क्यों इन बेदीन लोगों के डांस देखें और इनकी झूठी स्टोरियां देखें? फरमाया दयूस वो बंदा है, अल्लाह दी यकन वो फी बैत ही अलखबस, जो अपने घर में गंदगी बर्दाश्त करता और अपने घर में गंदगी रखता है। मैं नहीं आपको कहता पूरा इंडिया बदलो, मैं नहीं आपको कहता पूरा पाकिस्तान बदलो, मैं नहीं कहता आप पूरा बांग्लादेश बदलो, पूरा बहरीन बदलो। बस आप जिस कमरे में रहते हो ना, अपने कमरे में, अपने घर में हर किस्म की ये जो है ना ड्रामे, फिल्में, कार्टून, जुगतबाजी, गंद, इनसे बचें। ये तबाही है, इन चीजों से रूहानी कैंसर हो जाता है, घराने मुर्दा खाने बन जाते हैं, शैतानी डेरे बन जाते हैं। आपको एक जाते जाते वाकया सुनाऊं, इधर देखो आखिरी वाकया सुन लो। एक ना माई साहबा वो एक बाबा जी के पास गई, बुजुर्गों के पास, और कहने लगी बुजुर्गों हमारे घर आना, हमारे घर में ना किसी ने कुछ किया हुआ है, कसर है हमारे घर में, हमारे घर में क्या है, कसर है। वो बुजुर्ग बहुत अच्छे थे, दिहाड़ीदार नहीं थे, यानी वो फीस लेने वाले नहीं थे, हैं फीस लेने वाले भी होते हैं, अल्लाह वाले बंदे थे। वो घर में गए, सारे घर वालों को बिठा लिया, कहने लगे जी क्या मसला है? कहने लगे हमारे घर में बरकत नहीं, हमारे घर में खुशी नहीं, हम लड़ते ही रहते हैं एक दूसरे को, उसका भी मूड बना है, उसका भी मूड बना है, वो उसका गिरेबान पकड़ता है, वो उसको गाली देता है, माँ परेशान रहती है, हमें ना किसी ने जादू किया हुआ है। वो कहने लगे अच्छा, सामने वो सारे बैठे हुए थे, कहने लगे भाई आप बताओ घर में दाखिल होते हुए दुआ पढ़ते हो? कहता जी नहीं। अच्छा तुम बताओ घर में दाखिल होते हुए सलाम करते हो? नहीं। अच्छा वॉशरूम जाते दुआ पढ़ते हो? नहीं। खाना खाते दुआ पढ़ते हो? नहीं। घर में कुरान पढ़ते हो? नहीं। नफल पढ़ते हो? नहीं। तो हजरत साहब फरमाने लगे किसी ने कोई जादू नहीं किया हुआ, ये आपकी गफलतों ने आपका बेड़ा गर्क किया हुआ है, और आपका जो घर है ये शैतान की अमाजगा बना हुआ है, शैतानी डेरा बना हुआ है आपका घर, किसी ने कुछ नहीं किया। अच्छा हम ये भी ना अपने आप को तसल्ली देने के लिए एक बड़ा तरीका है, वारदात हमने रखा हुआ है, किसी ने कुछ किया हुआ है, और कोई किसी पे कुछ नहीं करता। खुद बामल बने, नफल पढ़े, कुरान पढ़े, दुआ पढ़े, दिल को नर्म रखें, मोहब्बतें दे, कोई किसी को कुछ नहीं कहता। इतनी ताकत है नफल में, सुन्नत में, तिलावत में, दुआ में, शैतान तो करीब नहीं फटकता। तो मेरे प्यारे भाइयों, कमरा अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, घर अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, मकान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मकान कमरा किराए का हो, जाती हो, ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। अल्लाह का शुक्र अदा करो, चार दीवारी में लेटते हो, छत के नीचे लेटते हो, अल्लाह का शुक्र। लोग जेलों में होते हैं, जेलों में लोग हैं कि नहीं? बांग्लादेश में, इंडिया में, पाकिस्तान में, इधर बहरीन में, इधर भी छोटा बड़ा जेल है, जेलों में लोग हैं कि नहीं? अस्पतालों में हैं कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह हम खरीयत अफियत से अपनी चारपाई पे, बेड पे लेटते हैं, बच्चों में लेटते हैं, दोस्तों में लेटते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये है मुस्लिम घराने की पहचान। तो मैंने आपके सामने पांच चीज़ें बयान कर दी हैं। कितनी चीज़ें? पांच चीज़ें मैंने बयान कर दी हैं। एक तो ये है बिस्मिल्लाह कहें, दुआओं का अहतमाम करें। दूसरी बात यह सुन्नत और नफल वहाँ पढ़ें, मुसल्ला बिछाया करें घर में। तीसरी बात यह कुरान खोलो। कुरान खोलने का मतलब है आपने अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा खोल दिया है। कुरान खोलने का मतलब क्या है? अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुल गया है। नरमी नरमी, माफ करना सीखो घर में। आपकी माफी के सबसे ज्यादा हकदार आपके कमरे में आपके साथ रहने वाले हैं, आपके घर वाले हैं। और अपने घर में कोई ऐसी हरकत नहीं करनी जो बेगैरती वाली हो, बेहयाई वाली हो। ये ड्रामे, ये फिल्में, ये स्टोरियां, ये कार्टून, ये बर्बादियां हैं, इससे नस्लें बर्बाद हो जाती हैं, घर उजड़ जाते हैं, खुशियां खत्म हो जाती हैं। अल्लाह तबारक व ताला के हुजूर दुआ है
अल्लाह तबारक व ताला हमें खुशी वाले घराने नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे घरों को, कमरों को, रहायश गाहों को बरकत वाला बनाए। अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पे फरमाए। सब दुआ कर दे, अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पे फरमाए। अल्लाह उम्मा उम्मा मुसलमान को अल्लाह इत्तेफाक व इत्तेहाद नसीब फरमाए। तमाम इस्लामी ममालिक की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। आप जो भाई परदेश इधर आए हैं, अल्लाह आपके माल, जान, औलाद, घर बार, कारोबार में बरकत फरमाए। और एक मैं आपके लिए और दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आपको सारी ज़िंदगी किसी का मोहताज न करे। एक्सीडेंट से, बीमारी से, तकलीफ़ से, कर्ज़ से, मरज़ से, आजमाइशों से अल्लाह ताला आपको महफूज फरमाए। आपके ख़ानदान में जो फोत हो गए हैं, अल्लाह ताला उन मोमिनीन मुहिदीन की बख्शिश फरमाए। जो बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। और अल्लाह ताला हमें इस्लाम के मुताबिक अपनी घरेलू ज़िंदगी बनाने की तौफीक अता फरमाए। जन्नत भी एक अच्छा घर है, बेमिसाल घर है, नरमी वाला घर है, रहमत व बरकतों वाला घर है। अल्लाह हमें अपना VIP घर जो जन्नत है, जन्नतुल फिरदौस, अल्लाह हमें वो बगैर हिसाब के नसीब फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल